गुड इवनिंग गाइस, आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया 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 सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और आज आप लोगों को क्या, आप लोगों ने ट्रेड किया? बहुत बढ़िया पंकज। और आज प्रॉफिट लॉस किनी का कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? 700 लॉस पे हैं सर। 700 लॉस, ओके। और बाकी लोग? सर मेरा भी लॉस हुआ सर, 330। सर मेरा 550 प्रॉफिट हो रहा था, मैंने लॉस में खो दिया, 50 में लॉस किया, 50 रुपए लॉस हुआ मेरा। अच्छा, मतलब ओवरऑल ज्यादातर लोगों को लॉस ही हुआ आज। यस, होल्डिंग द पी टिल 230 एंड देन निफ्टी गेट द कंसोलिडेटेड एंड देन पी निफ्टी गेट्स डाउन। यस सर, एक्चुअली मैंने सर एक निफ्टी का मैंने होल्ड कर रखा है सर, पुट में 16950 का है सर। हाँ, आपका मैसेज मैंने देखा था। हाँ हाँ, मैंने कल के लिए मैंने होल्ड करके रखा है, मुझे लगा शायद मार्केट नीचे ही जाएगा तो मैंने होल्ड कर लिया। तो सही किया है या कुछ, क्या लगता है सर आपको? बस वो डिपेंड करता है ना यूएस मार्केट पे और हमारा एसजीएक्स निफ्टी पे। अगर वो हमारा डाउन होगा फिर ही इंडियन मार्केट निगेटिव खुलेगा, नहीं अगर वो डाउन नहीं हुआ ज्यादा तो फिर बहुत कम चांसेस है। एक बार मैं देखता हूँ क्या है इसका। मैंने डाउ को देखा सर, अभी तो 500 कुछ पे डाउन है, फ्यूचर भी उसका डाउन है सर। हाँ, ये खुल जाता है 7:30 बजे। आवर प्रेडिक्शन इज टुडे मार्केट विल बी अप 560.100 डॉ जोन डाउन है। अगर ये ऐसा ही क्लोजिंग देता है ना फिर कोई चांसेस बनते हैं नेगेटिव खुलने का, ठीक है? यस, ओके। एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हाँ सर, ठीक है। बाकी सब लोग अभी 2 मिनट के लिए अपने आप को म्यूट कर लो, जितने भी लोग हो, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ से बार बार परमिशन चेंज ना करना पड़े। सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को, सब लोग, जितने भी लोग हो सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखना प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने अपना स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, प्राइस एक्शन समझ लिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के क्या रूल्स होते हैं, कब हम लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में पता चलता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, कैंडल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं सबके बारे में बताया हूँ, किस कैंडल्स पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल्स में बताया था, और कल हम लोगों ने चार्ट पैटर्न के भी बारे में डिस्कस कर लिया था कि कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं, किस पे हम लोगों को ट्रेड करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, किस चार्ट पैटर्न की अच्छी एक्यूरेसी और किसकी नहीं है, सब कुछ मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में विद एग्जांपल समझाया था। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ऑलरेडी ये यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों का क्या है कि नहीं वो वापस से सीखना चाहते हैं लाइव क्लास में, तो अब जो टॉपिक मैंने बता दिया उसको मैं वापस से तो नहीं बता सकता हूँ इस बैच में, बट जैसे ये बैच 5 हमारा कंप्लीट होगा देन इसके बाद मैं बैच 6 भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 4 बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये जैसे 5 कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं बैच 6 भी स्टार्ट करूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करके फिर बेसिक से सीख सकते हैं, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसी बात नहीं है कि बैच 5 के बाद बैच 6 में आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने चार्ट पैटर्न समझ लिया, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। एक बार आप लोग ये मुझे बताओ कि ये सारे टॉपिक्स में से आप लोगों का कोई भी डाउट, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स, ये सारे में से किसी का भी कोई भी छोटा सा डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सर मैं एक मेरा एक डाउट था सर, कि सर मैं जब ट्रेड करता हूँ सर मैं अंधाधुंध ट्रेड मार देता हूँ सर, मतलब ओवर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं ना वो मेरे से हो जा रहा है सर, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए वो आपकी साइकोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपकी साइकोलॉजी सही हो जाएगी ना फिर आप ओवर ट्रेड करना बंद कर देंगे, तो ओवर ट्रेडिंग का कैसे सर इंप्रूवमेंट कैसे आएगा प्लीज इस पर मेरे को गाइड कीजिए सर इस चीज को लेकर। एक्चुअली सर मैं थोड़ा टाइम लूंगा सर, मैं कल आज 1700 के लॉस पे था, मैंने 2 बजे के बाद मैंने इस लॉस को रिकवर किया मैंने, जो कि लॉस 700 रह गया,
तो मेरा मैंने इसी को देखा, मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ट्रेड था ना सर, कम से कम 40 ट्रेड मारा मैंने इसको बंद मुझे दिन भर में कितनी ट्रेड करनी है। आप ओवर ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले अपना एक रूल बनाओ कि मुझको एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड करनी है, एक से ज्यादा ट्रेड करनी ही नहीं है। जिस दिन आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आप बस एक ट्रेड पे फोकस करोगे, और जब आपका ट्रेड एक ट्रेड पे फोकस होगा ना, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि मेरे पास ऑप्शन बस एक ही है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को जो करना है फर्स्ट ट्रेड में करना है। तो आप ज्यादा फोकस के साथ फर्स्ट ट्रेड करोगे और उसमें आपको ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट होने के। अगर जिस दिन आपको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है ना, उस दिन आप सिस्टम बंद कर दो, उसके बाद आपको मार्केट देखना नहीं है। और जैसे ही आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, फिर आप ये सोच लो कि मुझको आप दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको जैसे ही आपने ये टारगेट सेट किया अपनी तरफ से कि मुझको एक दिन में बस एक ट्रेड करना है, तो आपके अंदर माइंड सेट में क्या होगा यार, मेरे पास ऑप्शन बस एक ही बचा हुआ है, अगर इसमें मुझको लॉस हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, और अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर अच्छी बात है। और जैसे ही आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड तो करना नहीं है, लॉस हो जाए फिर भी आपको दूसरा ट्रेड करना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर ये डिसिप्लिन, आप जहां पर भी ट्रेड करते हो वहां पे एक बड़ा सा लिखो कि मुझको एक दिन में बस एक ट्रेड ही करना है। और आप वो ट्रेड समझो कि आपके पास 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम है। जरूरी नहीं है कि मार्केट 9:30 बजे खुल रहा है 9:15 में तो उसके बाद 9:20 9:30 में ही आपको ट्रेड ले लेना, ऐसी कोई जरूरी नहीं। 3:30 बजे तक वेट करो, आपको एक परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट मार्केट आपको देगा। उसके लिए आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा मार्केट के साथ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि फोकस बस एक ट्रेड पे करना है, दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग का मेन रीजन होता है ना कि आप फर्स्ट ट्रेड में लॉस करते हो, उसको कवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड करते हो, फिर उसको कवर करने के चक्कर में तीसरा ट्रेड, ऐसे करते करते शाम तक 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, 3-4 ट्रेड में लॉस होता है, ओवरऑल आप लॉस में रहते हो, प्लस ब्रोकरेज आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है। तो ये सब चीज से आप तभी बच पाओगे जब आपका फोकस सिर्फ एक ट्रेड पे होगा। ये आप एक दिन पे नहीं होगा, लेकिन इसको आप जैसे कंटिन्यूसली फोकस करोगे ना, तो एक टाइम के बाद जाके आप इस पे कंट्रोल कर लोगे। बाकी इसको मैं और डीपली आपको तब समझाऊंगा जब मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे एक टॉपिक है, उसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, उसमें हम लोग और डिटेल में समझेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया हूँ, ठीक है सर? बोलिए सर। वन ऑफ माय फ्रेंड मतलब मेरे साथी था, पहले ट्रेड करता था, तो एक छोटा सा मैंने साइकोलॉजिकली देखा कि वो ट्रेड लेता था तो वो ही इज नॉट एक्साइटेड इवन, और ना वो बोर, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल वे में ट्रेड लेता था, चाहे लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, बट वो दिन के एक एटलीस्ट 3-4 ट्रेड लेता था। तो इसको ओवर ट्रेडिंग में तो बोलेंगे नहीं, इसको हमें अपनी रूटीन में लेके आ जाते हैं कि हमको एटलीस्ट 3 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है, या लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या नॉर्मल वे में एज अ बिजनेस लें तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी होगी सर? देखिए एज अ बिगिनर आप 3-4 ट्रेड कर सकते हैं, बट जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आपने फर्स्ट ट्रेड कर लिया, फर्स्ट ट्रेड में आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब आप मुझको एक चीज बताओ, जब आप एक दिन में 10,000 कमा रहे हो तो आपको क्या जरूरत है, आपको लालच क्यों है कि मुझको 10,000 से और ज्यादा चाहिए? जी आपको जब फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, आपका फोकस था एक ट्रेड पे, आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, अब आपको दूसरा ट्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होगा, वो ये चीज कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो, आपने कभी ट्रेड नहीं किया, तो आप दिन भर में 3-4 ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में, तो आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे ना उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग में 3-4 ट्रेड कर सकते हो छोटे छोटे अमाउंट के साथ, वहां पे बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 1 लॉट 2 लॉट के साथ कर सकते हो स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप कोशिश करो 1-2 ट्रेड करने की, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा ट्रेड करोगे ना तो जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है ना, वो भी आपके लॉस में बदल जाते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है सर। इसमें मैंने एक चीज नोट की है, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, वो या तो दिन में एक भी ट्रेड नहीं लेता था, या दिन में कभी कभी उसके 2-3 ट्रेड हो जाते थे। अब उससे मैंने पूछा इसमें है क्या है, तो बोला यदि मेरा सेटअप बोलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, भले वो 5 ट्रेड हूँ, और ये सेटअप नहीं बोलेगा तो मैं एक भी ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, सेटअप बोलेगा वो तो समझ में आता है, सेटअप बोलिए सर। मैं वही चीज देख रहा हूँ कि हम लोग में एक प्रॉपर ट्रेड नहीं कर पा रहे, मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या हम इससे नीचे आएगी, इसी चीज में फंसते हैं सर बार बार। देखिए अभी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ अभी जो हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ ना, ये अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है बॉस, और आप लोगों की जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े आगे लेवल के, ये सारे डाउट्स मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी आपके पास कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, मैं आपको कुछ बताया नहीं हूँ सेटअप के बारे में, मैं तो बस अभी आपको बेसिक्स बता रहा हूँ।
हमारा मेन सेटअप स्टार्ट होगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगा हार्मोनिक ट्रेडिंग। ये हर दिन मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों को, ये जो हमारा हार्मोनिक ट्रेडिंग है ना ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप होता है। इसके बारे में आपको टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, शार्क। इसके बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, ये प्योर प्राइस एक्शन है, ठीक है? आप बहुत सारे लोग सुने होंगे बट इनको अच्छे से तरीका नहीं पता होगा कि इसको किस तरीके से यूज करना। तो ये हमारा सेटअप है, मैं जितने भी ट्रेड करूंगा ना उसमें मैं कोई ना कोई पैटर्न लगा के या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के ही ट्रेड करता हूं। अभी तो मैं बस आपको सिंपल क्या बता रहा हूं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल्स, चार्ट। तो अभी आप इस पे ट्रेड करोगे तो ये उतना परफेक्टली वर्क करता नहीं है। हर चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन परफेक्टली वर्क करता है कौन नहीं करता। हमारा जो सेटअप है ना वो हमारा बैट पैटर्न है, जैसे कि हमारे हार्मोनिक पैटर्न से ये है। तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, फिर आप अगर एक दिन में 2 पैटर्न बन जाए फिर आप 2 ट्रेड कर लो, 3 पैटर्न बन जाए आप 3 ट्रेड कर लो, लेकिन एवरेज एक दिन में 1 से 2 ही पैटर्न बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। तो उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा फिर वो चीज क्लियर होगा, ठीक है? जितेंद्र सर जो बोले हैं मतलब लॉस रिकवर किए हैं वो कैसे किए हैं, पूछिए तो उनसे। बॉस देखिए ये चीज मैं अभी यहाँ पे अनिल डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि लॉस कैसे, वो मैं लास्ट में कर दूंगा क्योंकि हमारा फिर क्लास बहुत लंबे हो जाते हैं, कल 1 घंटे 40 मिनट की क्लास हो गए थे। मैं डाउट्स क्लियर करूंगा लास्ट में। अभी पहले अभी मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये सारे टॉपिक से आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन? सर मैं एक बात पूछना चाहता था। पूछे बोलिए। सर मेरे को चार्ट जो है वो मेरे को अपना कौन सी ऐप से देखने चाहिए? ट्रेडिंग व्यू पे देखिए आप। ट्रेडिंग व्यू सर वो अपना पेड है, उसको फिर मेरे को पे कर देना चाहिए, उसका प्रीमियम ले लेना चाहिए या नहीं? फ्री है बॉस वो। नहीं आई थिंक सो पेड है वो। सर ये जो चार्ट खुला हुआ ना यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे ही खुला हुआ, देखो tradingview.com, ये फ्री है। सर पेड कोर्स है, पेड है, 1400 रुपए लेता है। किसने बोला आपको? सर लेता है, प्रो है ना, मतलब अप टू डेट किया हुआ है। सर प्रो लेना क्यों है आपको? तो यहाँ पे बेसिक्स में सब कुछ मिल ही जाता है, सारे फीचर्स। यस सर। तो फिर आपको प्रो क्यों लेना? आप यहाँ पे चार्ट देखो ना, मैं तो सारा चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही देखता हूँ। सर एक्चुअली उन्होंने 3 से ज्यादा इंडिकेटर लगाने की कोशिश की होगी इसलिए वो पेमेंट मांग रहा है बस। पहली चीज तो इंडिकेटर लगाना नहीं है, दूसरी चीज आप प्रीमियम, आप जो ट्रेड इस पे देखते हो ना आपको सारे जो आपको यूज के लिए चीज है ना वो आपको फ्री में मिल जाती है। चार्ट, कैंडल्स, यहाँ पे जितने भी आपको टूल्स देख रहे हैं सब कुछ फ्री में मिल जाती है, आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 3 साल से सेम चीज यूज कर रहा हूँ और फ्री में, कोई प्रीमियम लेने की इच्छा इसकी जरूरत नहीं आप लोगों को, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। मैं क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा था सर? एक सेकंड बॉस, आप लोग मेरी क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनते हो कि मैं पूछता क्या हूँ। मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न, ये सारे टॉपिक्स से अगर आपका डाउट है तो आप पूछिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है वो हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में करेंगे ना तो टाइम ज्यादा लग जाता है, इसको आप लोग समझिए। सर हेलो, बोलिए सर। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सर एक बार बताएंगे, जैसे कैंडल कैसे इसका सेट करते हैं, 3 मिनट्स का या 15 मिनट का, 3 मिनट वाला जो सेट करते हैं? ठीक है। हाँ सर एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है? आप निफ्टी का चार्ट खोलो। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये चीज मैं ऑलरेडी इससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बता दिया था, बट अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे बदल देना, ठीक है? सब मैं डिलीट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट बदल दिया गया, आप करंट प्राइस देखो कहाँ पे चल रहा है, करंट प्राइस हमारा 16,972। अब आपको ये देखना है कि इसके हिसाब से हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा और नियरेस्ट हमारा सपोर्ट क्या होने वाला है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बस सिंपल आप ये देखो कि कहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट लिया और कहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लिया। देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे प्राइस देखोगे तो इसका पास्ट प्राइस ये अक्टूबर है, लगभग ये जो ब्रेक कर दिया ना अपना अक्टूबर के लो को भी ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है सपोर्ट लेके। अगर यहाँ पे करंट प्राइस है तो इसके हिसाब से हमारा नीचे सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा आपके सामने जूम करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये तीनों कैंडल को देखो, इस तीनों कैंडल के लो के पास मार्केट है, ठीक है? तीनों कैंडल से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो अभी जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट होगा ऑन डेली टाइम फ्रेम वो हमारा ये वाला लेवल होगा। इसको मैं थोड़ा सा पतला करता हूँ, कलर इसका रेड सही है। अब ये देखो ये तीनों कैंडल का जो लो टच किया ना ये हमारा भी डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होने वाला है। जो हमारा प्राइस के नीचे होता है वो हमारा सपोर्ट होता है,
देखो अब मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको ये दिख गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा डेली टाइम फ्रेम पे, सेकंड सपोर्ट फिर हमारा ये वाला लेवल आएगा, तो इसको ब्रेक करेगा, फिर हमारा दूसरा सपोर्ट ये बनेगा। लेकिन प्राइस अभी इसके ऊपर है, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट यहाँ पे मार्क हो गया। और आज के दिन भी मार्केट इसी लाइन से सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। तो मैंने अभी क्या किया, सपोर्ट को मार्क कर दिया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। अब देखो कि कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ। देखो आपको करंट प्राइस देखना है यहाँ पे, है ना, तो इसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ऊपर होगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट वाले लेक्चर में इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आप उसको जरूर देख लेना। अब ये लेवल देखोगे तो प्राइस जब यहाँ से गया था तो इस कैंडल को रिजेक्शन मिला नीचे की तरफ, फिर इसी लाइन के जब प्राइस ऊपर चला गया तो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर इसको रेजिस्टेंस मिला तीनों कैंडल से। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस भी था और सपोर्ट भी था। और यहाँ से भी देखोगे तो इस कैंडल को, जो हमारा रेड वाला कैंडल है, इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था पहले, लेकिन जैसे नीचे आ गया तो अब इसको फिर रेजिस्टेंस भी मिला। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, बस सिंपल यहाँ पे लिख देना है कि ये हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे, इतना लंबा नहीं, वन डे। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो सपोर्ट होगा, अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता तो ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपको ये दो चीज मार्क हो गया। अब इसमें आपको चार्ट में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आप इसको क्या करो, आवर्ली टाइम फ्रेम पे बदल दो, आवर्ली टाइम फ्रेम पे बदलो। आप देखो कि हमारा क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पास्ट के प्राइस के एक्शन को देखोगे। तो अब आपको बीच में कोई पास्ट नहीं देगा, अब डायरेक्ट अक्टूबर का चार्ट देखना पड़ेगा आपको, फिर समझ में आएगा। तो अब उतना पीछे देखने की जरूरत नहीं आपको। अब सिंपल जो हमारा यहाँ पे डेटा बन रहा ना, इसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हमारा रेंज ज्यादा बड़ा नहीं है। रेंज देखो कितने पॉइंट का है, रेंज हमारा बन रहा है लगभग 200 पॉइंट का। तो जब 200 पॉइंट का रेंज होना तो हम लोग इसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो यहाँ पे तो एक्चुअली मैं अभी आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हैमर कैंडलस्टिक बना था सपोर्ट के लेवल पे। अगर मार्केट में और टाइम होता तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता था। अब ये आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो होगा ना वो ये वाला लेवल होगा, क्योंकि प्राइस हमारा इसके नीचे है। वेट अ मोमेंट, अब मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ। अब ये जो हमारा होगा ना आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था तो इस लाइन से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया ना। जब एक बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया यहाँ से और प्राइस अभी इसके नीचे आ गया, तो सेम लाइन अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझा था। तो अब मैं ग्रीन वाले लाइन को क्या नाम देता हूँ, ये जो हमारा है ना आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वन आवर के हिसाब से। ठीक है, ओके कर दिया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका सपोर्ट हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ वन आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक बार 15 मिनट का चार्ट करो, सेम इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सेम आपका ये रेजिस्टेंस होगा, सेम आपका ये सपोर्ट होगा। अब मार्केट अगर इस रेंज में कल कहीं पे भी खुलता है, अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो देन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो आप जो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसके नीचे जो सपोर्ट होगा वो हमारा सपोर्ट होगा। लेकिन अगर इसका प्रॉपर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ना वो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग होगा। अब यहाँ पे मार्केट खुलता है तो ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर कल मार्केट मान लो यहाँ पे खुला तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्या है, ये वाला लेवल है ना, तो आज के लिए ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे 17, आज 15 है ना, कल 16 तारीख खुलेगा, तो 16 तारीख के लिए ये वाला हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, मतलब आज का क्लोजिंग, और ये हमारा सेकेंड सपोर्ट होगा, याद रखना हमेशा ये चीज। और इससे पहले देखो ये वाला क्लोजिंग है तो ये हमारे लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा। अब इसका ब्रेकआउट तो ये टारगेट इस रेंज में कहीं खुलता है और इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है और साथ में कैंडलस्टिक्स को भी देखना है और उसके हिसाब से फिर आपको ऊपर नीचे जहां पे भी ट्रेड मिलता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। समझ आया अभी आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किन का क्वेश्चन था ये वाला? यस सर, क्लियर है आपको ये चीज? हां जी सर। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़े, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग उसके बारे में समझते हैं। सर बोलिए। सर वन क्वेश्चन है, मैं ये पूछ रहा था सर कि जो ये जो है हमें साइकोलॉजिकल
चार्ट रीडिंग आप बता सकते हो कि कैसे साइकोलॉजिकल चार्ट रीडिंग पे जा सकती है? साइकोलॉजिकल चार्ट का वो चीज आपको अमित कुमार एक्सपीरियंस से आएगा, अभी आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। आप चार्ट को देखोगे, ट्रेड लोगे, एसएल हिट करवाओगे, फिर आपको समझ आएगा, उसमें गलती ढूंढोगे, फिर आपको वो चीज अपने आप एक्सपीरियंस होगा। ये चीज मैं आप कैसे, आप चार्ट देखो, आप ट्रेड करो, उसके बाद आपको अपने आप रियलाइज होगा कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ। वो चीज आपको तभी समझ आएगा जब आप ट्रेड करोगे, आपका एसएल हिट होगा तब। बिना आपका साइकोलॉजी तभी स्ट्रांग होगा जब आप अपने हिसाब से सेटअप बनाओगे और अपने हिसाब से ट्रेड में एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस हिट करवाओगे या फिर टारगेट हिट करवाओगे। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस ही आएगा, तो आप ट्रेड करो, अपने आप ये चीज आपका इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको सारा बेसिक्स बता दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, कौन सा हमारा वीक सपोर्ट होता है, कहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर्स में। आप उसको इसलिए बोलता हूँ दोबारा देखो ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। ये सब चीज मैं अमित कुमार ऑलरेडी बता चुका हूँ, शायद आप भूल गए हो। ठीक है सर, मैं जैसे ये कह रहा था, जैसे कि मान लो एक कैंडल है, एक कैंडल ले ली, हैमर, हैमर एक कैंडल है, उसके पीछे वो कैंडल बनी, उसके पीछे साइको क्या है कि क्या हुआ उस, वो जो एक प्राइस एक्शन बना, ये हम कैसे रीड करें, कैसे पता करें इस चीजों का, जो ये चार्ट हम इसी साइको के पीछे काम करता है इसी। देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ था यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर और सेलर? सर सेलर है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब ये हमारा कौन सा लेवल है, सपोर्ट का सर, सपोर्ट का लेवल है। प्राइस सपोर्ट के लेवल तक धीरे 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 कंटिन्यूअसली सेलर इसको लेकर आया, और सपोर्ट के लेवल पे कौन सा कैंडल स्टिक बना, हैमर बना, हैमर बना। हैमर में पहले क्या हुआ कि रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, देखो इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। अब देखो हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। ये यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे और क्लोजिंग इस जगह पे दिया, बट क्लोजिंग देने से पहले सेलर ने इसको इतना लो लगाया था, मतलब यहाँ तक ये इसका वीक आया है, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे। बायर स्ट्रांग क्यों थे कि बायर ने फिर इसके पोजीशन को देखो इतना ऊपर ले आके फिर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया और ये सपोर्ट पे बन रहा, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। और टेक्निकल एनालिसिस में जब एक इस शेप का कैंडलस्टिक पास्ट में बना था, इसके बाद तक का कैंडल इसके ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। तो वही सेम चीज अगर आज भी हो रहा तो ये सेम रिएक्शन आएगा आज भी, अगर ये चीज कल होगा तो सेम रिएक्शन आएगा कल भी, परसों होगा तो परसों। अब यहाँ पे बहुत बार फेल हो जाता, फेल होने का रीजन क्या होता है, ट्रैप होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके बाद या तो रेड कैंडल बन जाएगा, या तो इसका लो ब्रेक कर देगा यहाँ पे, या फिर इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा, छोटा सा डूजी बना देगा। तो ये सब क्राइटेरिया में हम लोग ट्रेड को अवॉइड करते हैं, वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। और ये सपोर्ट के लेवल पे बनेगा, और ये हैमर जो होता है, कल भी मैं बताया था, सॉरी परसों वाले क्लास में, कि हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। अगर ये कहीं भी डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल देता है, यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हो जाता है, ये चीज हम लोगों को पता है। अब जैसे ये सपोर्ट के लेवल पे बना, लोग सिर्फ इस कैंडल को देखते हैं और ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, इसकी वजह से उनको क्या होता है, लॉसेज होता है। बट सिर्फ हैमर को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, हैमर के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होती है, या फिर इससे पहले वाले कैंडल का हाई निकलना चाहिए, तब हम लोगों को कन्फर्मेशन मिलता है और तब ये हमारा एक्टिव होता है, तब हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ अब ये हैमर एक्टिवेट है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये हैमर यहीं पे बना, इसके बाद अगर रेड कैंडल बन गया ना, इट मींस कि अभी भी यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं लेंगे। समझ आया? अभी देखो जी सेम आपके साथ एग्जांपल है, प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना, हैमर कैंडल स्टिक बनने के बाद ये कैंडल क्या है, इस कैंडल का हाई निकाल दिया था, ठीक है, हाई निकालने के बाद फिर नीचे आकर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे दो कैंडल साइड पे देखो क्या मूव आया यहाँ पे। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, अगर ये हैमर बना यहाँ पे, इसी पे तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, ये इस कैंडल का ना हाई निकालने देंगे, न इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे, ये कैंडल नीचे आकर रेड में क्लोजिंग दे देगा, आपका एसएल ये होगा, आपके एसएल को मार्केट हिट कर देगा। समझ आया अभी आपको? सर बोलिए। तो सर अगर मैं बायर और सेलर की साइकोलॉजी से देखू, तो यहाँ पे अगर ये डाउन ट्रेंड में आ रही है तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ी हुई है, यहाँ पे डिमांड बढ़ी हुई है ना, तो देखिए यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आई, तो अभी यहाँ पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा, बट यहाँ पे आके ये प्राइस रुक गया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म कर दिया, मतलब यहाँ पे अभी क्या है कि ये जो कंटिन्यूअसली सेलर एक्टिव थे, अब वहां पे वो थोड़े से वीक हो गया, अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बना, पहली चीज।
दूसरी इसके बाद का कैंडल भी हैमर से पहले वाले कैंडल का हाई निकाल दिया, तो हम लोगों को डबल कंफर्मेशन मिला। तीसरी ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट के लेवल पे हमेशा बायर बैठे होते हैं, बायर हमेशा चाहते हैं कि मैं सपोर्ट पे खरीदूंगा और रेजिस्टेंस पे बेचूंगा, रेजिस्टेंस पे सेलर होते हैं वो वहां पे बेचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सपोर्ट पे कौन होते हैं, बायर होते हैं। अब बायर यहाँ पे बाई करेंगे, एक बुलिश कैंडल स्टिक बना हैमर, हैमर के बाद तो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हम लोगों को तो सारा कंफर्मेशन मिल रहा है ना, तब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। आज भी जो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था वो हैमर पे ही लिया था, ट्रेंड हमारा डाउन है समझ में आ रहा, लेकिन छोटा सा टारगेट के साथ 100 पॉइंट के टारगेट के साथ मैंने हैमर पे ही ट्रेड किया। आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, 5 मिनट का चार्ट देखो, ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। हमारे लिए जो सपोर्ट का लेवल था वो ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल, क्योंकि प्राइस जब यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर जा रहा रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर जा रहा रेजिस्टेंस लेके नीचे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा क्या था, सपोर्ट का लेवल था। फिर प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आया। अब ये मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, अब देखो हैमर कैंडल स्टिक यहाँ पे भी बना है, ऊपर क्लोजिंग पे दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, सब लोग क्या करेंगे, इस हैमर पे ट्रेड करेंगे। जितने भी लोगों को पता है कि हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, वो इस हैमर पे ट्रेड करेंगे, क्लोजिंग ऊपर दिया फिर भी हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का लेवल ही नहीं है। सपोर्ट का लेवल तो हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही है, यहाँ से तो डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। अगर इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ तो देखो, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, मार्केट फॉल, तो आपका एंट्री यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे ट्रेंड का आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज करके चलता हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं इस लो तक का लगाऊंगा, 50% का लेवल देखो ये वाला है, 50% ये हमारा टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट में हमेशा 50% को ही लेके चलता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं रहता मेरा टारगेट। अब यहाँ से देखो, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना सपोर्ट के लेवल पे, इन्वर्टेड हैमर के ये जो हमारा कैंडल हाई है, इस मार्केट ने इसके हाई को निकाल दिया। अब मुझको इतना समझ गया आ गया था कि प्राइस अगर इतना डाउन हुआ तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट 50, 60, 70, 80 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, बस मैं उसको कैच किया था यहाँ पे और कुछ नहीं किया था। तो मैंने जैसे ही इसका हाई निकाला, यहाँ पे ट्रेड कर लोगे आप, आपको देखो यहाँ पे कितने पॉइंट का मूव मिला। आप टारगेट ही रखोगे 200 पॉइंट का तो आपको कहाँ से ट्रेड मिलेगा, 124 पॉइंट का। लेकिन ये जो रेड कैंडल का हाई है ना, मैंने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर दिया था। हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा एक ट्रेड में 100 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलता हूँ। एक लॉट में ट्रेड किया था और 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, एक लॉट ट्रेड किया था और 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मैं ना ज्यादा क्वांटिटी रखता हूँ, ज्यादा क्वांटिटी कब रखा था, परसों रखा था, जो आपको दिखाया भी था, 15 लॉट था, उसमें 13000 का प्रॉफिट था, वो भी आपको मैं भेजा था। तो जिस दिन सेटअप के हिसाब से ट्रेंड के साथ ट्रेड मिल जाएगा, उस दिन क्वांटिटी साइज इंक्रीज करूंगा। जो मैंने पहले भेजा था वो पी का ट्रेड था, पुट का ट्रेड था, ठीक है। तो क्वांटिटी साइज इंक्रीज किया क्योंकि वो ट्रेंड के साथ मिला था, बट ये जो हमारा ट्रेड था ना, ये ट्रेंड के अगेंस्ट था, मतलब ओवरऑल ट्रेंड हमारा निगेटिव था, बट ट्रेंड क्या, मैं ट्रेड किधर का ले रहा हूँ, ऊपर का ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी साइज बहुत कम रखूंगा, मतलब मात्र एक लॉट ही रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। एक लॉट में प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद फिर मैं मार्केट देखा ही नहीं, उसका तो मार्केट चलता रहा, उसके बाद मुझको मार्केट से कोई मतलब नहीं। मेरे को सर यहीं पे लॉस हुआ है, जो ये बनी हुई है ना शूटिंग स्टार, और मैंने लिया तो पुट में, पर इसके बाद ये ग्रीन बन गई, ऊपर जाने लगी और मैं डर गया, मैंने फिर एग्जिट कर दिया, उसमें गए मेरे 540 रुपए। देखिए अमित कुमार, यही आपने आज गलती करी है। आपको मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूँ ना कि आप लेक्चर्स को 2-3 बार देखो। आप देखो यहाँ पे आप क्या गलती किए हो, ये शूटिंग स्टार बनाना, तो पता चल गया मुझे गलती की है मैंने बाद में एग्जिट करते ही। क्या गलती हुई आपकी सर? ये मार्केट डाउन ही जानी थी इस टाइम पे, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस के ऊपर वो बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है। गलत, आपने गलती क्या की बताया, आपको मैं एक रूल और बताया था कि अगर ये हमारा 50 का लेवल है तो ये हमारा गोल्डन जोन होता है, ठीक है। ये जो हमारा इंपल्स है, इसका जो करेक्शन है, ये जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन बनता है ना, ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में तो बताऊंगा, बट वो गोल्डन जोन होता है, यहाँ से प्राइस ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्स होते हैं, पहली चीज। दूसरी, आप सिर्फ शूटिंग स्टार को देख के ट्रेड कर रहे हो ना, तो शूटिंग स्टार के बाद कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दिया, ठीक है, बट आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो ये इसका लो निकाला या नहीं निकाला, इसके बाद वाला कैंडल इसका लो निकाला या नहीं निकाला? दे निकाला सर। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल के, रेड कैंडल के बाद ये इनसाइड कैंडल बना या नहीं बना?
बना है सर। तो यहाँ पे आपको तो डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, पहली तो इनसाइड कैंडल बनी, दूसरी ये आपके शूटिंग स्टार का लो भी निकाल दी और आपका एसएल बस ये होगा। और आपको तो डबल कंफर्मेशन ये मिला है कि ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है इसका करेक्शन, ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो 50% है। आपने फोर्थ बैच में, मैंने आप लोगों को ये चीज समझाया था, आप फोर्थ बैच में थे तो मैं आपको समझाया था ना ये चीज। सर फिबोनाची नहीं लगाया ना उस टाइम पे, मैंने खाली कैंडल देख के ले लिया और ये पहले तो ग्रीन वो रेड थी, नीचे जा रही थी ठीक है, पर ये ऊपर आ गई उस समय मैं डर गया फिर। तो यही तो प्रॉब्लम, आपको हर एक चीज देख के चलना पड़ेगा, अगर हर एक चीज नहीं देखोगे तो फिर आपको लॉसेस होंगे। आपको सब चीज देखना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी और कैंडल्स भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, फिर ही आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। नहीं रेजिस्टेंस तो था सर यहाँ पे, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देखना है आपको, ठीक है। हाँ सर, मैंने भी लगाया था फिबोनाची, ठीक है, मैंने आपका देखा था। ठीक है गाइस, अभी जो है ना हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो 30 मिनट निकल गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड स्टार्टिंग में डाउट पूछा करो, क्योंकि उससे फिर मैं बताना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं रुक नहीं पाता हूँ। यही चीज मेरे अंदर थोड़ी सी, पता नहीं इसको मैं अच्छाई बोलूं खराबी बोलूं मुझे खुद समझ नहीं आती, बट मैं रुक नहीं पाता हूं फिर बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम लोगों का जो मेन टॉपिक है ना उसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेंगे, फिर जो हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा आप लोगों का डाउट है, सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद एक घंटा लो, दो घंटा लो, नो प्रॉब्लम, बट सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग, उसको समझते हैं फिर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों का जो भी डाउट है, इससे पहले सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख लेना उसको। अभी हम लोग समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग को, वेट अ मोमेंट, चार्ट पैटर्न में आपको बता दिया था, अब ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग समझते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, किन लोगों को करनी चाहिए, इसके पीछे क्या हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी होता है जिसको यूज करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स दैट लास्ट अ कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ्स, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक कोई भी ट्रेड लो, उसको क्या करो, एक दिन से ज्यादा होल्ड करो, एक दिन से ज्यादा दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने या फिर दो तीन महीने तक भी होल्ड करते हो तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, आज खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आप एक स्विंग को पकड़ते हो और थोड़े से लॉन्ग पीरियड के लिए आप यहाँ पे ट्रेड करते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरे दिन मार्केट को बैठकर वॉच नहीं कर सकते, ऑफिस वाले लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, अपना बिजनेस होता है, उनमें टाइम देना होता है, बट वो फिर भी चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग करूं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए आते हैं बट ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए खरीदते हैं, आज खरीद रहे हैं। जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं यहां पे कोई भी स्टॉक खोल लेता हूं, वेट अ मोमेंट। स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको वो चीज समझा देता हूं एक बार। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पे कंसीडर करता हूं कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक खोलते हैं और इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है। अब कोटक महिंद्रा बैंक क्या है कि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना है, तो आपको ट्रेंड भी समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप लोगों को ये समझना है कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो। अब मैं एक बार फिबोनाची लेके देखता हूँ कि ये हमारे पूरे इंपल्स का क्या करेक्शन आया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा लेवल आया ना, ये जो हमारा लेवल आया, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल आया, और फिबोनाची के हिसाब से ये दोनों जो जोन बना 50 से लेकर 60 के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये हम लोगों को पता चल गया कि ये जो है ना हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का जोन है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से गया। अब हम लोगों को पता है कि ये हमारे लिए गोल्डन जोन है जहाँ से प्राइस ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्स करने के। अब जैसे प्राइस इस रेंज में जाएगा, आपको दोनों कैंडल्स के टॉप पे से दिख गया कि इसको रिजेक्शन मिल चुका है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सेल करोगे। अब आपको ये समझ में आए कि अब यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा, अब आपका नियरेस्ट टारगेट ये होगा, क्योंकि अब इसको सपोर्ट बीच में यही मिलेगा। लेकिन अब ये टारगेट क्या आपका एक दिन में अचीव होगा, नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को इसके लिए कितना दिन वेट करना पड़ेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन। तो अब आपको यहाँ पे अपने पोजीशन को चार दिन होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब जब अपने पोजीशन को चार दिन होल्ड करोगे, मतलब आपने आज खरीद लिया,
अब आपने एसएल लगा दिया, अब आपको समझ में आ गया कि मेरा टारगेट ये है, अब ये टारगेट मार्केट अचीव करेगा, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में, मेरा जो ट्रेड है वो भी डाउन ट्रेंड में, तो आप लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं कि टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। आप डेली डेली सुबह में शाम में किसी वक्त भी मार्केट आवर्स में 2 मिनट 3 मिनट के लिए देख सकते हो, आपको कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पे 4 दिन अपने पोजीशन को होल्ड किया अपने टारगेट को लेने के लिए, तो आपको यहाँ पे इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आप एक स्विंग को ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारा एक स्विंग है, ये हमारा स्विंग, ये हमारा एक स्विंग, तो आप इसको ट्रेड कर रहे हो, इस इंपल्स को ट्रेड कर रहे हो, ये हमारा इंपल्स था, ये करेक्शन था, हर एक इंपल्स का एक करेक्शन होता है, वो हार्मोनिक में बताऊंगा। तो वही चीज हमारा होता है कि मैंने 4 दिन अपने पोजीशन को होल्ड किया, तो ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं आता, ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग में आता है। बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्या लिखा हुआ, ओवरनाइट रिस्क और वीकेंड रिस्क। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या होता है, ओवरनाइट में कभी भी गैप अप या फिर कभी भी गैप डाउन खुल जाता है। अब तो आपने यहाँ पे क्या किया, पुट का ट्रेड कर लिया, लेकिन अगर कोटक महिंद्रा बैंक में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाता या ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव हो जाता, तो ज्यादा चांसेस होते हैं क्या कि ये फिर पॉजिटिव खुल जाता। अगर यहाँ पे चल रहा, अगर ये गैप अप खुल जाता तो आपको यहाँ पे लॉसेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा रिस्क होता है कि ओवरनाइट रिस्क होगा, या फिर अगर आप 1 हफ्ते से या फिर 2 हफ्ते के लिए पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वीकेंड रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा थर्सडे एक्सपायरी होता है उस दिन क्या होता है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, उसके बाद क्या होगा किसी को भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे आपको ये थोड़े से रिस्क होते हैं ओवरनाइट के रिस्क, कि ओवरनाइट में क्या होगा किसी को भी नहीं पता। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको बस ये छोटी सी प्रॉब्लम आती है ओवरनाइट का, क्योंकि वो गैप अप भी हो सकता है। अगर आपने मान लेते हैं पुट का ट्रेड लिया हुआ और वो अगर गैप अप हो गया तो आपको तो लॉस होगा, अगर आपने कॉल का ट्रेड ले लिया और मार्केट गैप डाउन खुल गया तो फिर आपको तो लॉस होगा, तो वहां पे ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। पर स्विंग ट्रेडिंग को करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ट्रिगर होना। इसका क्या मतलब होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी सपोर्ट है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल है, वो अगर प्रॉपर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो उसके बाद वन साइडेड मूव ऊपर या फिर नीचे की तरफ आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कोई ब्रेकआउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब देखो आप यहाँ पे जूम करता हूँ, प्राइस ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसका रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइडेड मूव दिया है। अब ये मूव कितने दिन का है आप ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक कैंडल 1 दिन का है, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट क्या है, आपका ये टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा या फिर यहाँ कहीं पे ट्रेड में एंट्री करा, आपका टारगेट ये है, तो ये तो कोटक महिंद्रा बैंक आपके ये टारगेट को 1 दिन में नहीं देगा। अब यहाँ तक प्राइस जाएगा ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को फॉर एग्जाम्पल ब्रेक कर दिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट काफी दिन से बार बार टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा था, और आज इसका ब्रेकआउट मिल गया। अब जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पे क्या होंगे, बायर एक्टिव हो जाएंगे, बायर जैसे एक्टिव होंगे फिर इस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा सा इसको रिटेस्ट किया और अगेन आपको यहाँ पे परफेक्ट मूव मिल गया। अब अपने पोजीशन को यहाँ पे आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक 10 दिन 12 दिन तक क्या करोगे, होल्ड करोगे। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, और ये हम लोग कब कर रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड कर रहे हैं। सेम एग्जाम्पल रेजिस्टेंस सपोर्ट के केस में भी आता है, मान लेते हैं ये हमारा कोई सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, ये हमारा कोई सपोर्ट का लेवल है। फॉर एन एग्जाम्पल प्राइस क्या है, यहाँ से जा रहा, बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा, अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल गया। अब आपको पता है कि जैसे ये ब्रेकडाउन कर दिया ना, अब आपका ये नेक्स्ट टारगेट बनता है, प्राइस यहाँ तक जाएगा इस लाइन तक। तो आप देखो यहाँ से प्राइस फिर गैप डाउन खुला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन में आपके टारगेट को मार्केट ने ये वाला हिट कर दिया। तो अपने पोजीशन को यहाँ पे क्या करोगे, 15 दिन तक होल्ड करोगे। और ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही वो ब्रेक किया, अब आपका ये नेक्स्ट टारगेट बनता है, ये 1 दिन में तो अचीव नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पोजीशन को 15 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा। तो ये हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग, और इसके लिए हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होने के बाद। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न विच आइडेंटिफाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड पोटेंशियल रिवर्सल। अभी जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया कोटक महिंद्रा बैंक में, इस जगह पे दिखाया था, यहाँ पे जो दिखाया, तो ये मैंने अभी जस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया था। तो सेम आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को भी यूज करके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके देता है। अब यहाँ पे हार्मोनिक ट्रेडिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये फिबोनाची नंबर्स के लेवल पे बेस्ड होता है। जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। बाकी इसमें अगर दिखाऊं तो जो सबसे हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही है। इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल में समझाऊंगा, बट ये थोड़ी सी एडवांस लेवल के, तो वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा।
अभी बस आप यहाँ पे समझो कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या रूल है, सम पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज हैज टू कम। अब आपको लगता है कि कोई भी कंपनी है जिसकी कोई न्यूज आने वाली है, अब अगर उसकी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वो कंपनी ग्रो करेगा, उसमें और ज्यादा लोग आएंगे इन्वेस्टर और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो वहां पे जो मूव आने वाला है 10 दिन 15 दिन के लिए, आप वहां पे अपना पैसा लगाकर स्विंग ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर उसका कोई भी निगेटिव न्यूज आ गया तो निगेटिव न्यूज आने के बाद क्या होता है, उस स्टॉक का प्राइस गिरता है, और जब गिरेगा तो वहां पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। और वो स्टॉक का प्राइस इतना निगेटिव न्यूज आया कि वो अभी एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली गिरेगा, जैसे अडानी निगेटिव न्यूज आया कंटिन्यूसली वो अभी तक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड तो नहीं कर पाओगे, उसमें आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो लगभग लगभग 30% 40% वो टोटल टॉप से डाउन हो गया था, तो उसका फायदा उठा सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए आपको न्यूज भी देखते रहना है कि कौन सी कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, क्या हो रहा है, तो वो चीज आप तभी कर पाओगे जब आप इसको फॉलो करोगे तब। अभी ये सिंपल था स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इतना समझो कि आप अपने पोजीशन को क्या कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, ठीक है। 1 दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग में आ जाएगा, और अपने पोजीशन को जितना ज्यादा उतनी होल्ड करोगे स्विंग ट्रेडिंग है। और वहां पे जो आपका मूवमेंट मिलने वाला है, बहुत सारे तरीका है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके ट्रेड करो, या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, या फिर कोई भी पॉजिटिव या फिर निगेटिव न्यूज आने वाला फिर आप उसमें ट्रेड करो, सारा ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्विंग ट्रेडिंग का। इसके बाद हमारा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के टिप्स मतलब वो नहीं कि जो स्टॉक के बारे में दिया जाता है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, दिन भर में कितने ट्रेड करने चाहिए, ट्रेंड क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ बताऊंगा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सोच के करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको बताने में टाइम लगेगा। आज देखोगे तो आज का हमारा ऑलरेडी 41 मिनट का क्लास हो चुका है, और फिर आप लोगों के डाउट्स भी होंगे तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। बट अभी ये था सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग समझ में आया सब लोगों को, सब लोगों को समझ आया? हेलो सर, सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। HDFC सर जी बोलिए। सर ये इंट्राडे में भी ओवरनाइट 1 वीक तक होल्ड किया जा सकता है ना ऑप्शंस में? कर सकते हैं, फिर वो इंट्राडे में नहीं आएगा ना। अच्छा ऑप्शंस में आएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, बट अगर आप उसको ओवरनाइट रख रहे हो तो वो एक्चुअली में स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा, या फिर आप उसको BTST बोल सकते हो, बाय टुडे सेल टुमारो। तो वो कितने दिन तक रख सकते हैं सर? आपका जब एक्सपायरी डेट है, जो आपका नियरेस्ट एक्सपायरी है तब तक आप रख सकते हो उसको। ओके ओके ठीक है सर। सर चार्ज जो होता है, चार्ज के बोलिए अनिल सर, चार्ज जो होता है BTST का सेम ही होता है? BTST का क्या मतलब होता है? BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। यस सर, आज आप कोई भी प्रीमियम खरीद रहे हो और इसको ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो, आप इसको आप कल बेचोगे, ठीक है। तो जब आप इसको कल बेचोगे तो ओवरनाइट में अगर आपको लगता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, तो आपने आज पुट खरीद लिया और कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता तो कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप ये ऑप्शन में करो, स्टॉक में करो, आप पे डिपेंड करता है किस में कर रहे हो। चार्ट बैंक निफ्टी का ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। BTST के लिए आपको कोई दूसरा चार्ट नहीं देखना, यही चार्ट देखना है, ठीक है। चार्ज बोल रहे थे सर, चार्ज चार्ज जैसे 20 अलग सेम चार्ज लगेगा, सेम चार्ज सेम चार्ज 0.05। हां ओके सर ठीक है। बोलिए। हेलो सर, बोलिए बोलिए। सर जब हमने डाउन ट्रेंड का चार्ट देखना होता है तो 5 डेज का देखना चाहिए या 1 मंथ का देखना चाहिए? आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो आप इसका ट्रेंड देखो, प्राइस पहले अप ट्रेंड था, अभी ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना रहा, मतलब क्या है कि ये ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। अब आपको जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है ना, वो निगेटिव साइड करना है, ज्यादा कोशिश करना है कि हम लोगों को पुट साइड में ट्रेड मिले। कॉल साइड में ट्रेड मिलेगा इसका मतलब है कि नहीं करना है, करना है क्वांटिटी साइज कम करके करना है। जैसे कि आज मैंने क्वांटिटी साइज कम करके किया, कल मैंने जो ट्रेड किया था पुट साइड में ही किया था, ट्रेंड के साथ था, तो क्वांटिटी साइज इंक्रीज करके किया था। वही चीज आपको समझना है कि कब आपको क्वांटिटी साइज बढ़ाना है, कब आपको कम करना है, ठीक है।
जब हम किसी ट्रेड में स्विंग ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए हमने को ट्रेंड चेक करना है, डाउन ट्रेंड बिल्कुल या अप ट्रेंड बिल्कुल, आपको ट्रेंड चेक नहीं 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 आपको 5 डेज का जरूरी नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा भी देख सकते हो। आप देखो अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया, आप इसका ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल पिछले 3-4 महीने से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। आप देखोगे तो ये कब का है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अभी मार्च चल रहा फरवरी मार्च, आप मार्च में ट्रेड कर रहे हो, 6 मार्च को आपने यहाँ पे ट्रेड किया, तो ये पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही है। तो कोशिश करना है कि ट्रेड भी जो आपको मिले नीचे का ही मिले, ठीक है। जैसे SBI बैंक का जो ट्रेंड है वो अभी के लिए नेगेटिव का है, लेकिन अभी अगर हम 1 मंथ पहले का देखते हैं तो वो पॉजिटिव में था। आपको लास्ट देखना है, मतलब 1 महीने 2 महीने जब तक आपको दिख रहा तब तक का, अभी आपको लास्ट क्या दिख रहा है निगेटिव, बैंक निफ्टी में लास्ट क्या दिख रहा है निगेटिव। अगर आप इस जगह पे ट्रेड करोगे, इस जगह पे अगर मार्केट है तो आप यहाँ पे ट्रेंड देखोगे तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर आप इस जगह पे ट्रेंड करोगे तो ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका ट्रेंड निगेटिव है पिछले 3-4 दिनों से। अब मान लो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका ट्रेंड निगेटिव है। अगर आप इस जगह पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आप देखो कहाँ से आ रहे हो, नीचे से आ रहे हो ना, मतलब आप अभी अप ट्रेंड में हो। तो आपको कोशिश करना है कि ट्रेंड भी जो आपको ट्रेड भी मिले ना अप ट्रेंड का मिले। अगर आप इस जगह पे ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में, इस कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो 22 दिसंबर को, तो आपका ट्रेंड क्या है निगेटिव है पिछले 4-5 दिनों से, तो आपको ट्रेड क्या करना है नीचे का ही करना है। फिर आप देखो कि यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में हिसाब से, तो आपको ट्रेंड देखो पिछले 4-5 दिन से पॉजिटिव है, तो आपको ऊपर का ट्रेड करना है। समझ आया? ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू सर। हेलो, बोलिए। सर हम बोल रहे थे कि HDFC में हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें बता सकते हैं क्या? बोलो, सोनी का भी सेम क्वेश्चन है। आज ही हम लिए हैं उसको 1550 पे, HDFC बैंक सेल किया हमें, क्या लिया आपने इसको, क्या किया बाइंग, HDFC बैंक को आपने बाइंग किया? हाँ, बाय किया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड अभी नेगेटिव है। आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे, फिर ऊपर, अभी कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ जा रहा, तो इसका ट्रेंड मार्केट मान लेते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये मार्केट ने फर्स्ट हाई बनाया, इसको मार्केट ऊपर की तरफ जाके ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, फिर प्राइस जब ऊपर की तरफ गया तो ये जो हमारा नियरेस्ट हाई था उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ गया। तो अभी हमारा देखोगे तो ट्रेंड क्या है निगेटिव है, तो अभी जो आपने बाइंग कर लिया इसको, तो ये अभी आपका ट्रेंड के अगेंस्ट चला गया, मार्केट अभी यहाँ से और नीचे की तरफ जा सकता है, तो आपको लॉस, आपका ट्रेड इसमें बाइंग कब बनेगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा फिर आपका इस टारगेट के लिए, या फिर जो हमारा ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा क्लियरली समझा देता हूँ। बोलू सोनी, आप भी समझना इस चीज को, बाकी सब लोग म्यूट कर लो। ओके, म्यूट कर लो बाकी सब लोग। ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जहां से प्राइस बार बार क्या हो रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये कौन सा ट्रायंगल, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, बताओ कोई जल्दी से, कौन सा चार्ट पैटर्न है ये, करी बताया हूं क्या ये चार्ट पैटर्न, सर फॉलिंग वेव, सर असेंडिंग ट्रेंड है, ये तो ट्रायंगल डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है शायद, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, ठीक है, कल ही बताया था, डिसेंडिंग है, म्यूट कर लो यार। ये देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल, सपोर्ट हमारा सही है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा, सेम HDFC बैंक में हो रहा, सपोर्ट हमारा इक्वल है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहा, तो ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना। अब ये क्या हुआ, नीचे का ब्रेकडाउन कर दिया, अब ये नीचे का ब्रेकडाउन कर दिया, तो अब इसके हाइयर चांसेस है नीचे के जाने के, अगर कल भी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो। अब इसका नियरेस्ट सपोर्ट अगर देखा जाए तो इसका नियरेस्ट सपोर्ट इस लेवल के आसपास ही आएगा, इससे पहले इसको कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा 1495 तक। तो यहाँ पे आपने जो ट्रेड लिया ये आपका ट्रेड गलत है, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट है पहली चीज, और ये आपका ट्रेड भी गलत है। आपका ट्रेड यहाँ पे कब बनेगा, जब मार्केट HDFC बैंक का यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, फिर आप यहाँ पे इसको बाइंग कर सकते हैं, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकेंड टारगेट आपका ये होगा, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आप जितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। अभी समझ आया?
सर वो टारगेट तो आपने बताया था ना, लास्ट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो होगा फर्स्ट, वो भी होगा, बट हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी तो देखना है। अब इसके बीच का हम लोग जो टारगेट देख रहे हैं, ओके ओके फाइन फाइन सर, समझ आया? ठीक है ठीक है, 130 पॉइंट का, यस यस यस। अब इसको मैं ब्रेकआउट करता हूं, इसका टारगेट यहां आ रहा, बट बीच में तो हम लोगों को क्या देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये हम लोगों को टारगेट नहीं मिलेगा। परफेक्ट जी जी सर जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, एक बार आप फिबोनाची की सेटिंग बता सकते हैं क्या? बताऊंगा जरूर बॉस, जो हम लोगों का वो टॉपिक आएगा ना जरूर बताऊंगा, पूरे जीरो लेवल से फिबोनाची स्टार्ट करूंगा, पूरा एडवांस बताऊंगा। ठीक है ठीक है सर। आई एम फेसिंग, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं उसके एक बार रिप्लाई कर देता हूँ, फिर आप लोगों के पास वापस आता हूँ, एक बार आप लोगों को भी सुनना। यहाँ पे भी सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, सभी लोग ट्रेड ले रहे हैं, बट मैंने आज मैसेज भी किया था आपको कि मैं भी ट्रेड लेना चाहता हूँ ऑप्शंस में, बट डिटेल नॉलेज नहीं ऑप्शंस में, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो इसके लिए कोई सिंपल सा बता सकते हैं आपकी, इस तरीके से लिया जा सकता है? बॉस आप एक बार ये इस बैच को कंप्लीट होने दो, ऑप्शन ट्रेडिंग आप, इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, हर एक चीज बताऊंगा, ऑप्शंस में हम लोगों को किस किस चीज को देखना होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कितने तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल क्या होते हैं, पुट क्या होते हैं, आगे की टॉपिक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है राइट, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, हाँ म्यूट कर लो सब लोग अभी आपने आपको। हेलो सर, एक आपके व्हाट्सएप में मैं कुछ मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैसेज सेंड, वो मैं थोड़ी सी अभी उसकी परमिशन ऑफ कर दिया हूँ, क्लास खत्म होते ही मैं उसको ऑन कर दूंगा। ठीक है ठीक है सर। आई एम फेसिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्किंग, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम डे कृष्णा, मैं ऑलरेडी ये चीज 3-4 बता चुका हूँ, आप इस लेक्चर को वापस से देखो आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, और कल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा रहा था सेकंड लेक्चर में, उसमें भी मैं समझाया था सर। एचडीएफसी बैंक पे बता दीजिए, एक बार बता दिया सर, एचडीएफसी बैंक स्टॉक 1 मंथ के लिए कैसा रहेगा सर, अभी जस्ट बताया गोलू सुनियो आपको सर। मार्केट गैप अप क्यों खुलता है, इसका रीजन क्या होता है, गैप अप खुलने का रीजन क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है, फाइव मिनट नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे ही आप देखो, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं गैप अप, पहली चीज तो, या फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज के कारण होता है, बट वो सेकेंडरी चीज है। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब मार्केट यहाँ पे अगर आज सस्टेन कर जाता दो तीन घंटे यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाता, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है इस लेवल को, तो यहाँ पे बायर होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या होते हैं, बायर एक्टिव होते हैं सपोर्ट के लेवल पे, मतलब ये डिमांड जोन है हमारा, यार प्लीज म्यूट करके रखो। अब जैसे प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, अब बायर अपने ऑर्डर को धीरे 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 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपना हायर हाई बना रहा, अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे कितना चीज हम लोगों को समझ आ गया कि ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे अब ज्यादा ऑर्डर किसके लगे हुए हैं, कॉल साइडेड के लगे हुए हैं, तो नेक्स्ट डे जो होगा ना अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे प्राइस गैप अप खुलेगा। अब इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से प्राइस का डायरेक्ट ट्रेंड बदल गया, अभी डाउन ट्रेंड था, अभी प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये प्राइस का लो था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लो, प्राइस ऊपर गया, जब नीचे आया ना तो ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, पहली चीज, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, और जब ये नीचे आया ना तो अपने ये प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, ये दूसरा लो, फिर यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तब यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, अब यहाँ पे साइडवेज कितना देर रहा, आप ये चीज देखो, अब टाइमिंग देखो, ये हमारा टाइमिंग है 1:30 बजे, 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, इट मीन्स कि अब जब यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया और मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव हो गया डाउन से, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, बायर स्ट्रांग हो गया, अब बायर का यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर लग गया, इसकी वजह से कल मार्केट गैप अप खुला, और जैसे ही गैप अप खुला जितने लोगों को भी ये 300 पॉइंट का गैप अप मिला, सब अपना प्रॉफिट बुक स्टार्ट किए, प्रॉफिट जैसे जैसे बुकिंग होना स्टार्ट हुआ प्राइस धीरे धीरे फॉल कर गया। ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस हमारा ग्लोबल मार्केट, कल अगर नस्दाक का और डाउ जोन का चार्ट दिखाऊं मैं आप लोगों को तो आपको समझ में आएगा कि कल वो कितना ऊपर था। आप देखो नस्दाक का चार्ट खोलता हूं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूं, ये कल का चार्ट है, पहले तो ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद पहले थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर लास्ट के लगभग 1 घंटे में ये पूरा रिकवर कर दिया, तो ये लगभग कल 2% से ज्यादा ऊपर था हमारा नस्दाक, और जो हमारा डॉ जोन था ये भी कल बहुत ज्यादा ऊपर था,
अब देखो पहले तो ये गैप अप खुला, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर फॉल कर गया, फिर लास्ट के एक घंटे में पूरा लगभग 50% से ज्यादा रिकवर कर दिया, लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट ये ऊपर था, पॉजिटिव था। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एसजेक्स निफ्टी के बारे में भी बताया था, जो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया था। एसजेक्स निफ्टी भी हम लोगों को क्या बताता है कि इंडियन मार्केट क्या खुलने वाला, पॉजिटिव निगेटिव। तो पहली चीज आप ग्लोबल मार्केट को देखो, दूसरी चीज अपने चार्ट को फील करो, चार्ट को समझो, एक्सपीरियंस करो, इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी नेक्स्ट डे हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा। किन का क्वेश्चन था ये? छाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर 5 मिनट सर 5 मिनट पर बॉडी और विक दोनों कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं राजीव, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर स्विंग ट्रेडिंग में फर्स्ट रूल रिपीट कीजिएगा, स्विंग ट्रेडिंग में फर्स्ट रूल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। इसका क्या मतलब होता है? कोई भी हमारा अगर सपोर्ट है या फिर कोई भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, एक बार आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल था ना वो ये लेवल था। ये जो लेवल था ना हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे आ रहा और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ दिन कंटिन्यूअसली मार्केट इसी ट्रेंड, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो रहा था, सपोर्ट लेके बार बार ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। इसके बाद मार्केट ऊपर गया और आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक्चुअली में एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, ठीक है। ये चीज मैं जब ये लाइव मार्केट चल रहा था, लाइव नहीं मतलब जिस दिन ये हुआ था उस दिन भी मैं ये चीज, उस वक्त जो हमारा बैच चल रहा था, थर्ड बैच चल रहा था या फिर सेकंड बैच चल रहा था, उस टाइम मैं ये चीज समझाया था। और ये जो था ना लगभग 25 जनवरी का है ना, ये लोग बोल रहे थे अडानी की न्यूज की वजह से मार्केट इतना गिरा है, अडानी का जो निगेटिव न्यूज है ना उसकी वजह से। बट आप चार्ट को देखो ना, हमारा चार्ट क्या बोलता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब ये हमारा कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना। और ये क्या हुआ, इतना इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे जितने भी सारे ऑर्डर लगे हुए थे सब ये पूरा ब्रेकडाउन करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब मतलब हमारा क्या है कि अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा नीचे टारगेट होगा, अगर इसके बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो। अब अगर इसको हम लोग एक बार मेजर करें तो कितने पॉइंट का टारगेट मिल रहा हम लोगों को, 1800 पॉइंट का। अब जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा हम लोगों को 1800 पॉइंट नीचे मिलेगा। अब देखो इसको मार्क करो, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये आपका ग्रीन वाला लाइन टारगेट है। आपने जैसे ही इसका ब्रेकडाउन किया, अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट अब यहाँ से जो इसके बीच का टारगेट है 1800 पॉइंट का, वो हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका ये ब्रेकडाउन हो गया। आपको 1800 पॉइंट दो दिन में मिल गया, अब ये दो दिन में भी मिल सकता है, तीन दिन में भी मिल सकता है, वन वीक में भी मिल सकता है, वन मंथ में भी मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट धीरे 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 नीचे आता तो हो सकता था वन वीक लगा देता, बट मार्केट डायरेक्ट फॉल कर गया तो आपको अच्छी बात है कि आपको दो दिन में ये टारगेट मिल गया। तो ये टारगेट दो दिन में मिला क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर, इसका मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 1800 पॉइंट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा नीचे टारगेट होता है। कल ये चीज मैं आप लोगों को समझाया, दो दिन में आपको 1800 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। समझ आया? किन का क्वेश्चन था ये? छाया, समझ आया आपको? और क्या होगा जी सर, हम लिए हैं सर, ठीक है, ओके सॉरी। स्विंग ट्रेडिंग कॉल एंड पुट दोनों ले सकते हैं क्या, और ऑप्शन की तरह ही ट्रेड करेंगे क्या? स्विंग ट्रेडिंग कॉल एंड पुट दोनों ले सकते हैं क्या, ऑप्शन की तरह ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बॉस, कॉल पुट दोनों लगे तो फिर क्या फायदा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट हो रहा, पुट में तो लॉस ही हो रहा है। तो आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम जब ये लेते हैं स्विंग, तो कॉल पुट दोनों मतलब बाय कर सकते हैं ना, मतलब दोनों में ट्रेड कर सकते हैं सर? कर तो आप दोनों में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन एक साथ दोनों नहीं कर सकते। नहीं नहीं, एक साथ नहीं सर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर, ये ऑप्शन, ये स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे हैं, जैसे ऑप्शन टाइप में ही है या अदर है कुछ है इसका? अपनी पोजीशन को आप दो दिन डिलीवरी में लोगे इसको, सबसे पहले इंट्राडे में नहीं लोगे, कैरी फॉरवर्ड में लोगे, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के लिए होल्ड करोगे बस। सर हेजिंग क्या होती है? क्या हेजिंग सर? हेजिंग देखिए, अगर आप किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हो, ठीक है, मान लेते हैं आप रिलायंस कंपनी में अपना 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 10 लाख रुपया आपने रिलायंस कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया। अब आपको वहां पे क्या हो रहा है कि रिलायंस में कोई भी निगेटिव न्यूज आ गया, एक मिनट इसको म्यूट कर लो यार आप, ठीक है, आपने रिलायंस कंपनी में अपना 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां पे कोई भी निगेटिव न्यूज आ गया तो अपने 10 लाख रुपए का तो आप क्या करोगे, विड्रॉ नहीं करोगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करोगे, क्योंकि आपने क्या किया, उसको लॉन्ग पीरियड के लिए लिया होगा। लेकिन जो अभी चार्ट पे समझाता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं
कि आपने जो है ना यहाँ पे ये रिलायंस कंपनी का, या तो मैं रिलायंस ही खोलता हूँ, ठीक है खोलता हूँ, सॉरी देखो अब ये रिलायंस का हमारा चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आपको मैं हेजिंग समझाता हूँ, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है बट फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमारा, म्यूट करो प्लीज, ये हमारा मान लेते हैं सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको लगता है कि यहाँ से रिलायंस कंपनी ऊपर की तरफ जाएगा। आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया, अब आपको यहाँ पे चलो ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा। लेकिन 9 मार्च के दिन क्या हुआ, कोई भी निगेटिव न्यूज आ गया इसमें। अब उस निगेटिव न्यूज के कारण क्या हुआ ना, इसका शेयर फॉल करेगा, और जब ये नीचे की तरफ फॉल करेगा, अब आप ये चाहते हो कि मैं अपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, इसको होल्ड करना चाहता हूँ लॉन्ग पीरियड के लिए। लेकिन उसमें तो अब आपको लॉसेज होंगे ना, क्योंकि मार्केट इसके नीचे जाएगा तो आपको लॉसेज होंगे, लॉजिक वाली बात है। तो अब आप यहाँ पे रिलायंस कंपनी में ऑप्शन ट्रेड करोगे। देखो एक चीज बता दूं, जो हमारा ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, ये एक्चुअली में हेजिंग के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसको लोग इन्वेस्ट तो नहीं करते हैं, लेवरेज जिसको बोलते हैं ना, जो हम लोगों को मिल जाता है कि आप 10x 5x 2x के लिए ट्रेड कर सकते हो, उसका एक्चुअल प्राइस से भी बहुत कम पैसा पे करके आप उसको ट्रेड कर सकते हो। कहां गया ऑप्शन ट्रेड यार, ये रहा ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, ये हम लोग हेजिंग के लिए इसको यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, रिलायंस कंपनी के पुट को खरीद लोगे। अब जब आप इसको पुट में ऑप्शन ट्रेड करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे वहां पे, तो वो आपने एक शेयर का दाम क्या है इसका 2300 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे इसका चल रहा था 2316 रुपया, तो आपको अगर इसका एक शेयर खरीदना है तो 2300 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में करोगे तो इसका लॉट साइज क्या होता है, आई थिंक 500 के आसपास होता है, एग्जैक्टली मुझको याद नहीं है इसका लॉट साइज क्या होता है। अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको जो लॉट साइज होगा वो 30 रुपया 35 रुपया का आपको एक शेयर मिल जाएगा। उसके हिसाब से अगर मान लेते हैं 500 का आपका इसका लॉट साइज है, जैसे निफ्टी में 25 का होता है, इसमें कंसिडर करते हैं 500, तो 500 मल्टीप्लाई बाई अगर 10 रुपए का प्रीमियम है तो 10 रुपया जो आपको अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। अब इसमें अगर 100 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो आपके प्रीमियम का भी प्राइस 100 रुपया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने कोई प्रीमियम क्या किया 10 रुपया का खरीदा है और आपने 10 रुपया खरीदा है इन द मनी है, तो अगर ये 100 पॉइंट नीचे आ रहा तो आपके प्रीमियम का भी प्राइस 100 रुपया बढ़ जाएगा, वो 110 हो जाएगा। तो अगर आपने वहां जो भी अमाउंट विड्रॉ किया, आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा आप पूरी इसको सोच सकते हो। 10 रुपए का प्रीमियम आपको हो गया 100 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। तो ये हेजिंग होता है, हेजिंग आप अपने एक्चुअल पोजिशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो, उसके बदले में जो आपको लॉसेज होने वाला उसको आप ऑप्शन ट्रेड करके वहां पे आप उस लॉस को कवर कर रहे हो इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, एक दिन या फिर दो दिन होल्ड करके, ठीक है। समझ आया अभी आपको ये चीज? श्योर सर, श्योर डेफिनेटली, अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे और क्या डाउट्स हैं? और सर ये शॉर्टिंग क्या होती है? सॉरी, शॉर्ट करना मतलब सेल करना, लॉन्ग करना मतलब आप बाई कर रहे हो, शॉर्ट करना मतलब आप सेल कर रहे हो। सर एमआरएफ का एक शेयर बाई किया हूँ 82,595, सर सेल करना है, होल्ड करना है क्योंकि 500 लॉस चल रहा है। बॉस देखो अभी मैं स्टॉक पे कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ और ना ही पे एमआरएफ पे एनालिसिस करता हूँ। आप मेरे वॉच लिस्ट में देखो, बस मैं अपोलो वोल्टास पावर ग्रिड यही 3 स्टॉक पे अब इस पे इन्वेस्ट कर सॉरी इसका चार्ट देखता हूँ, इसका टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ। आपने अगर ट्रेड किया तो आप उसके चार्ट को देखो, एक्सपीरियंस करो, आपको अपने आप वो चीज रियलाइज होगा कि वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे बिना कोई एनालाइज किए हुए कंपनी के बारे में बिना जाने हुए आप उसमें ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे नहीं खरीद सकते। आप पहले देखो कि कंपनी क्या है, क्या उसका परफॉर्मेंस है पिछले 3-4 साल का, क्या उसका चार्ट बोल रहा है, क्या उसका टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है, उसके हिसाब से आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग समझ में आया सब लोगों को? यस सर। तो कल का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला स्विंग ट्रेडिंग के बाद हमारा आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टिप पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, किसी भी स्टॉक को कैसे चूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, बट वो हमारे आगे की टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग भी समझ लिया, कल समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट,
देन हम लोगों का स्टार्ट होगा हार्मोनिक पैटर्न, जो सबसे मेन चीज है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हार्मोनिक पैटर्न तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब कुछ समझ गए हार्मोनिक पैटर्न नहीं समझे मतलब फिर कुछ नहीं समझे, क्योंकि ट्रेड आप हार्मोनिक पैटर्न पे ही लोगे, वही हमारा सेटअप है, मैं उस पर ही ट्रेड करता हूँ, वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इस बार एक बार इसका प्राइस जो है ना चेक करना कि इसका क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, अगर आपको कोई हार्मोनिक पैटर्न सिखाएगा ना तो आपसे कितने रुपए चार्ज करेगा आप इसका एक बार पता लगाना, फिर आपको वो चीज समझ आएगा, ठीक है। और वो चीज मैं आप लोगों को फ्री में बताने वाला हूँ, तो इसकी बहुत समझो कि इसकी बहुत वैल्यू है, इसलिए आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे हार्मोनिक पैटर्न्स के उसको अटेंड करना है, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट आप लोगों का? नो सर। हेलो हेलो सर। हाँ जी सम्राट सर। बोलिए बोलिए सर। आपको प्रैक्टिस के लिए कौन सा स्टॉक यूज करना, अगर मार्केट ज्यादा अप डाउन होता है कौन से स्टॉक में? देखिए जो भी बड़ी बड़ी स्टॉक है ना, जैसे रिलायंस हुआ, ठीक है, टाटा हुआ, अब जैसे वोल्टास, एमआरएफ बोला उन्होंने, एमआरएफ है। रात को सर अभी। अच्छा रात की बात कर रहे हो, रात में आप बस डॉज और नस्डाक देखो ना, इंडेक्स है ये यूएस मार्केट का, आप इस पे ट्रेड करो ना, इसको देखो, इसके अलावा कुछ की बात ही कर रहा हूं मैं। डॉज और नस्डाक देखो। कौन सी सर फिर से बताइए? डॉज और नस्डाक। ओके ओके सर, ठीक है, आप इसका चार्ट खोलो, ये सारे साथ प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट भेजो, बैच 5 वाले ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है सर। एक पर्सनल क्वेश्चन था सर। थैंक यू। पर्सनल क्वेश्चन आप पब्लिकली पूछ लो सर। नहीं मतलब सर सभी के लिए, मतलब सबके लिए मोटिवेशन के लिए अच्छा रहेगा सर। आपकी थोड़ी ट्रेडिंग जर्नी जाननी थी ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन हो। जरूर बताऊंगा, बट ये अभी परफेक्ट टाइम नहीं है बस ये चीज बताने के लिए, क्योंकि मैं उसको आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में नहीं बता सकता हूँ, 3 साल की जर्नी है और अभी ये कंटिन्यूसली आगे की चलेगी, तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए एक परफेक्ट वीडियो बना दूंगा, बट थोड़ा सा वेट करिए उसके लिए आप, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैंने बनाइएगा, जरूर जरूर बनाऊंगा, टेंशन नहीं लो आप। जी 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 बताइए सर। मैं ये बता रहा था अगर देखा जाए तो अभी आप लोग के साथ तो हमारी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, अब ये कब तक चलती है वो देखते हैं। यस सर। और ट्रेडिंग जर्नी के बाद तो हमेशा लेट्स सी। जी सर। ओके गाइस, YouTube पे लाइव आएंगे सर? YouTube हां आऊंगा ना, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, उसको मैंने अप्लाई भी कर दिया, एक बार कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा, अभी दिन में मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता, मैं खुद ट्रेड करता हूं, एक दो ट्रेड करके फिर सिस्टम बंद कर देता हूं, कुछ काम है, अभी मैं आपको पहले ही बताया था ना कि ऑफलाइन क्लासेस यहां पे ओपन कर रहा हूं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूं, तो अभी नहीं कर पाता हूं पूरे दिन ट्रेडिंग में। कभी टाइम निकालिए ना सर लाइव जूम के लिए, मतलब जैसे भी आप स्टडी हमारी क्लास चल रही है वैसे लाइव में क्लास ले सकें तो, एक या दो दिन हफ्ते में। कल एक्सपायरी है ना, कल करते हैं। यस सर, वही टाइम डिसाइड करके तो बीच में एक या दो घंटे के लिए सर। ठीक है, कल ग्रुप में मैं मैसेज करता हूं, 11 या 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास लाइव करते हैं जूम पे, आप लोग गूगल मीट पे ही करेंगे, आप लोग रेडी रहना, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। सर सर जी बोलिए। 1 बजे की बात करना ना। सॉरी सर, 1 बजे की बात जो आपने बोले ना लाइव क्लास वो करना सर। 1 बजे के बाद एक्सपायरी में तो एक्सपायरी हो जाएगी ना सर 1 बजे के बाद तो। ठीक है जरूर, 1 बजे के बाद ही करते हैं, मैं 12 बजे स्टार्ट कर दूंगा, 3:30 बजे तक कंटिन्यूअसली रहूंगा, ठीक है। ये भी चेक कर लो। और भी डाउट रिक्वेस्ट पूछिए सर। जब मतलब सर मेरे को सर हम लोग एक ट्रेडिंग में परफेक्शन कैसे आएगी सर, हम लोग कैसे सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं सर वो हमेशा वो मतलब नेगेटिव ही हो जाता है सर, इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए सर? सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पहले आपने जो भी ट्रेड लिया अगर आपको उसमें लॉस हुआ या फिर आपका ऐसे लेट हुआ तो सबसे पहले आप देखो क्यों हुआ, वो रीजन ढूंढो सबसे पहली चीज, और जो रीजन निकल रहा है ना उसको आप नोट करो, डेट के साथ टाइम के साथ जो आपने ट्रेड किया उसमें क्या गलती हुई आप उसको नोट कर लो, उसके बाद उस गलती को कभी रिपीट मत करना सबसे पहले चीज, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता हुआ चला जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो एक्यूरेसी बढ़ता चला जाएगा अपने आप। सर ट्रेडिंग जनरल लिखना सिखाइएगा ना एक बार। बताऊंगा, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। यस सर। ट्रेडिंग जनरल लिखने पर सिंपल सेटअप हमारा हार्मोनिक ही है बॉस, मैं बस हार्मोनिक ट्रेडर ही हूं, हार्मोनिक फिबोनाची और ट्रेंड लाइन सपोर्ट को यूज करके, यही से इसको पूरा मिक्स करके जो है ना लास्ट में आपको एक परफेक्ट सेटअप देने वाला हूं, ठीक है सर। सर ट्रेंड लाइन तो अभी नहीं बताई है ना आपने सर। ट्रेंड लाइन नहीं बताया हूं मैं,
नहीं ट्रेंड लाइन की क्लास तो नहीं हुई है सर अभी तक। ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन में था सर फर्स्ट। ट्रेंड लाइन के बारे में बताया होगा, तो ट्रेंड लाइन क्या है? ये हमारा अप ट्रेंड है, तो ये एक्चुअली में क्या बस ट्रेंड लाइन है। ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा क्या है ट्रेंड लाइन है, मतलब डाउन ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, ये हमारा निगेटिव ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये एक्चुअली में एक ट्रेंड लाइन बन रहा। बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखो, एक ट्रेंड लाइन बना था टॉप पे जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया था। इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा जो ट्रेंड लाइन बना ना, ये कौन सा ट्रेंड लाइन बना, निगेटिव ट्रेंड लाइन। प्राइस नीचे आया ऊपर गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे फिर ऊपर गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे। और ये जो कैंडल स्टिक है ना, बियर इनगल्फिंग है, हमेशा याद रखना। ये रेड कैंडल है ना, फिर भी ये बियर इनगल्फिंग इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या हुआ था, नीचे ऊपर खुला फिर नीचे आके इसको इनगल्फ कर लिया, तो ये रेजिस्टेंस पे बियर इनगल्फिंग हुआ। ये भी इंडिकेट करता है प्राइस नीचे जाएगा, ध्यान में रखना। ये सब चीजें छोटी छोटी बेसिक चीज होती है, इसके वजह से आपका ट्रेड छूट जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा। अब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन बना, ये एक्चुअली में क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा। आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हो, या फिर जो हमारा अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था उसको मैं भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों का ब्रेकडाउन नीचे, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, टारगेट दोनों का लगभग सेम ही है, क्योंकि ये भी लो वही है ये भी हाई वही है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूँ फिर भी लो यही होगा। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये हमारा अप ट्रेंड है, ये हमारा क्या ट्रेंड लाइन है। समझ आया अमित कुमार? अमित कुमार समझ आया? जी 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 सर। ठीक है सर, हेलो बोलिए सर। एक डाउट थी सर, मान लीजिए कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर अप ट्रेंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है? ठीक है। उसमें हमने मतलब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको ट्रेंड लाइन से मैंने ड्रॉ किया ऊपर से नीचे तक, समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे। ठीक है, रेजिस्टेंस हुआ वो हमारा। हाँ, उसमें मान लीजिए इंपल्स करेक्शन बनते ही जा रही है, ठीक है? वहाँ पर हम क्या हार्मोनिक को यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब जो हमारा सपोर्ट का लेवल होगा तो टेढ़ी सी, उसमें हम पीआरजेड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, वही बताऊंगा हार्मोनिक में। सपोर्ट पे ही हमारा पीआरजेड बनता है और रेजिस्टेंस पे ही हमारा पीआरजेड बनता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हार्मोनिक पैटर्न जो होते हैं ना वो आपको बॉटम पे बाई करना सिखाएंगे और टॉप पे आपको सेल करना सिखाएंगे। रेजिस्टेंस पे कैसे सेल करना होता है और बॉटम पे कैसे बाई करना होता है ना, वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला कन्फर्मेशन आपको सपोर्ट से मिलेगा, दूसरा कन्फर्मेशन आपको कैंडल स्टिक से मिलेगा, तीसरा कन्फर्मेशन आपको हार्मोनिक पैटर्न के पीआरजेड जोन से मिलेगा, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। उसका मतलब होता है प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में हो जाएगा। ये तीन कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड करोगे और इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं होगा, सिंपल प्राइस एक्शन ही होगा। कैंडल्स, ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक, इसको आप यूज करो सिर्फ और सिर्फ 6 महीना कंटिन्यूसली अपने ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद देखो कि आपके अंदर क्या एक्यूरेसी आती है, क्या आपके अंदर परफेक्शन आता है। ठीक है, ओके सर, ओके। और कोई डाउट? और कोई डाउट? बाकी लोग किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो अभी आप लोग। नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रही है सर आपकी ऑनलाइन? जैसे ये बैच कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि सर मेरा ये सेकंड डे था आज सर, एक्चुअली पीछे का क्लासेस नहीं ले पाया था मैं। अच्छा, YouTube पे अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो। स्टॉक मार्केट एकेडमी मेरे चैनल है, उस पे जाके प्लेलिस्ट में जाना, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 5 के नाम पे होगा, आप उसको देख सकते हो। वहाँ पे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वापस से बैच 6 ज्वाइन करना है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो ये कंफर्म नहीं होता कि ये कब कंप्लीट होगा, ये 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, क्योंकि मैं फोकस करता हूँ डाउट्स पे। तो डाउट्स क्लियर करने में मेरे को स्टार्टिंग में मैंने आधा घंटे के बाद आज का सेशन स्टार्ट किया। कोई नहीं सर, आपके साथ अब जीना मरना साथ ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे यार ठीक है। अभी कृष्णा रेड्डी, आपने क्लास में एंटर किया, क्लास हमारा एक्चुअली अभी खत्म होने पे है, आप शायद कल भी लेट से ही आए थे। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि क्लास हमारा 8 बजे स्टार्ट होता है। आप थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं चला गया था थोड़ा सा बच्चों का काम के लिए। अच्छा, इसी वजह से लेट हो गया, अटेंड नहीं कर पाया सर, कुछ काम था सर। अटेंडेंस लिया करो आप। नहीं यार, आप लोगों के अंदर से भी एफर्ट्स आनी चाहिए कि मुझे सीखना है तो मुझको टाइम पे जाना है। नहीं तो बच्चे का काम था, नहीं हो पाया। नहीं सर, जब ही टाइम पे आएंगे ना, अब 2-3 दिन की देखो कम है, उसकी उसको बाहर कर दो क्लास से, क्लास में नहीं घुसना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, YouTube पे देख लेना आप कृष्णा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। मैं YouTube में देख लूंगा सर, जरूर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बेसिक नॉलेज के लिए बेस्ट बुक कौन सी है?
बेस्ट बुक, बेस्ट बुक मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो पढ़ी थी टेक्निकल एनालिसिस गाइड। मैं बुक जो है ना उसका पीडीएफ ग्रुप में भेजता हूँ मायूर पटेल, ठीक है? जो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसका पीडीएफ मैं भेजता हूँ, आप उसको पढ़ना। हाँ सर, आप जो फोटोज और पीडीएफ भेज रहे हो ना वो इंस्टा वाले पे भी भेजा करिए ना, वो टेलीग्राम वाले पे। कौन सी फोटोज? ये जो आपने आज भेजी थी ना ट्रेंड लाइन वगैरह वाली, टेलीग्राम पे भी मैं भेज देता हूँ। हाँ, क्योंकि वो ये सेम अपडेट वहाँ नहीं आया था और लैपटॉप पे टेलीग्राम अपडेटेड है, तो ठीक है मैं सेम अब टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम पे मैं ज्यादा नहीं भेजता हूँ क्योंकि टेलीग्राम मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ज्वाइन करो, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। टेलीग्राम पे तो हैं हम लोग सभी, ठीक है? मैं ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मुझको लगता है कि हाँ अभी सारे लोग इधर आ गए, फिर मैं उधर भी भेजना स्टार्ट कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं कल से उसको भी भेजता हूँ। जरूर जरूर सर, हम लोग आपके साथ ऐसा जिधर ले चलो सर, टेलीग्राम ले चलो, फेसबुक ले चलो, जहाँ ले जाओ। अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पे भी, बट सारे कुछ नहीं कर पाता हूँ, बट कल से कंटिन्यूसली फिर अपलोड करता हूँ उस पे भी, ठीक है प्रशांत? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? नो सर। बस सर, गुड नाइट। नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग कल हम लोग वापस से मिलेंगे, और इंट्राडे ट्रेडिंग जो हम लोगों का सबसे मेन टॉपिक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ही हैं, तो आपको उसमें किस तरीके से सोचना है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल का क्लास जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।